डॉक्टर विनोद पंकज मिश्रा एंड यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर विद इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश बिकॉज वी स्पीक सच काइंड ऑफ सेंटेंस इन आवर डेली लाइफ। तो यदि इसी प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश को, तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। आज जिन वाक्यों की इंग्लिश आपको बता रहा है वो इस प्रकार से हैं, क्या आप अपने होश में हो, वह अपने होश में नहीं है, आपने उसे चाटा क्यों मारा, तालियों से जोरदार स्वागत है, जनसंख्या का एक बड़ा भाग, विभिन्न राजनीतिक दल, बहुत बड़ा जिसका उदाहरण ना दिया जा सके, मलेरिया होने का खतरा, अभिशाप के रूप में मानना, और ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बल्कि यह तो खुशी की बात है, मामले को मत खींचो, यह सब तुम्हारे कारण है, उसके बाल सफ़ेद हो गए। तो देखते हैं एक एक करके, जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ, क्या आप अपने होश में हो। जब कभी कभार आप कोई ऐसी बात बोल देते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, या आप कुछ गलत, बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, तो जनरली लोग आपसे बोलते हैं क्या आप अपने होश में हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंस, आर यू इन योर सेंस, क्या आप अपने होश में हो। यदि कोई व्यक्ति इसी प्रकार के काम करता है तो जनरली लोग बोल देते हैं वह इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वह अपने होश में नहीं है, वह अपने होश में नहीं है। सी या ही के भी कह सकते हैं, ही इज नॉट इन हिज सेंस, ही इज नॉट इन हिज सेंस। इसी को यदि हमको लड़की को कहना हो किसी को, तो हम कह सकते हैं सी इज नॉट इन हर सेंस। जब कोई व्यक्ति ऐसी गलती करता है कि आपको उसको चाटा मारना पड़ता है, यदि आपने किसी को उसे चाटा मारा है और कोई आपसे पूछना चाहता है कि आपने उसे चाटा क्यों मारा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई डिड यू स्लैप हिम, स्लैप हिम, why did you slap him, आपने उसे चाटा क्यों मारा। तालियों से जोरदार स्वागत, जब कभी कोई व्यक्ति आता है या उसका हमको स्वागत करना हो तो इस प्रकार से बोलते हैं तालियों से जोरदार स्वागत, give the big hand please, इसको बोलते हैं give the big hands please, give the big hands please, तालियों से जोरदार स्वागत। जनसंख्या का एक बड़ा भाग, यदि हम किसी को ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारी जनसंख्या जो है उसमें से बहुत सारे लोग, तो इस प्रकार से बोलते हैं जनसंख्या का एक बड़ा भाग, इसको बोलते हैं मेजर पोर्शन, मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग। विभिन्न राजनैतिक दल, यदि हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश में बहुत सारे या विभिन्न राजनैतिक दल हैं, तो वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, विभिन्न राजनैतिक दलों को बोलेंगे वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत बड़ा जिसका उदाहरण ना दिया जा सके। यदि हम ऐसी चीज़ बताना चाहते हैं कि उसका वह या किसी चीज़ के बारे में, तो इसको बोलते हैं वह बहुत बड़ा जिसका उदाहरण ना दिया जा सके, तो इसको बोलेंगे ग्रेट एंड अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, ग्रेट एंड अनप्रेसिडेंटेड, वह बहुत बड़ा जिसका उदाहरण ना दिया जा सके।
डियर फ्रेंड्स कहते हैं कि हमको अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, इससे मलेरिया होने का खतरा है। तो मलेरिया होने का खतरा एट द रिस्क ऑफ मलेरिया, एट द रिस्क ऑफ मलेरिया, एट द रिस्क ऑफ मलेरिया, मलेरिया होने का खतरा। तो इस प्रकार से यदि हम कहना चाहते हैं कि मच्छर पानी को इकट्ठा करेंगे तो मलेरिया होने का खतरा है, तो इसको बोलेंगे एट द रिस्क ऑफ मलेरिया। अभिशाप के रूप में, अभिशाप के रूप में मतलब श्राप के रूप में, कई लोग होते हैं कई चीज़ों को अभिशाप के रूप में मानते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो लड़कियों को या अभिशाप के रूप में मानते हैं, तो अभिशाप के रूप में मानना इसको बोलेंगे रिगार्ड एज ए कर्स, रिगार्ड एज अ कर्स। और यदि यही कहना हो कि वरदान के रूप में तो उसको बोलते हैं रिगार्ड एज ए बून, रिगार्ड एज ए बून। ग्रामीण विकास कार्यक्रम कई नेताओं के द्वारा, कई विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा कहा जाता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम को बोलेंगे रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। रूरल मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन मतलब होता है शहरी। बल्कि यह तो खुशी की बात है जब कभी कोई ऐसे व्यक्ति बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप कहना चाहते हैं आप ऐसे क्यों बता रहे हैं, बल्कि यह तो खुशी की बात है। तो इसको बोलते हैं रेदर, रेदर इट्स अ मैटर ऑफ, मैटर ऑफ प्लेजर, मैटर ऑफ प्लेजर, रेदर इट्स ए मैटर ऑफ प्लेजर। मामले को मत खींचो, कभी कभी कोई व्यक्ति होती है किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाता चढ़ाता है, तो हम इसको कहना चाहते हैं कि मामले को मत खींचो, इसको बोलेंगे डोंट स्ट्रेच, डोंट स्ट्रेच द मैटर, डोंट स्ट्रेच द मैटर, मामले को मत खींचो। कभी कभी किसी का कुछ भी बात होती है और जिस व्यक्ति के कारण वो ऐसा होता है उसके पास हम उससे हम कहते हैं कि यह सब तुम्हारे कारण है, यह सब तुम्हारे कारण है, दिस इज ऑल, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू का मतलब होता है आपके कारण, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। उसके बाल सफ़ेद हो गए। जनरली आजकल जो लोग हैं चाहे वो छोटी उम्र के हों चाहे बड़ी उम्र के हों, सबके बाल सफ़ेद होने लगे। यदि आप कहना चाहते हैं कि उसके बाल सफ़ेद हो गए तो बोलेंगे हिज हेयर्स टर्नड ग्रे, टर्नड ग्रे मतलब होता है सफ़ेद होना, हिज हेयर्स टर्नड ग्रे। सो डियर फ्रेंड्स यू कैन सी दीज आर सम सेंटेंसेज विच वी यूज इन अवर डेली लाइफ। इफ यू ऑल्सो want to speak such kind of sentences, then practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening. यदि आप भी बहुत इन sentences को बार बार लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं या बार बार सुनते हैं, तो आप भी इस प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए एक बार मैं शुरू से बता रहा हूँ, क्या आप अपने होश में हो, are you in your sense, are you in your sense, वह अपने होश में नहीं है, ही इज़ नॉट इन हिज सेंस, ही इज़ नॉट इन हिज सेंस। आपने उसे चाटा क्यों मारा, वाई डिड यू स्लैप हिम, वाई डिड यू स्लैप हिम। तालियों से ज़ोरदार स्वागत, गिव द बिग हैंड्स प्लीज़, गिव द बिग हैंड्स प्लीज़। जनसंख्या का एक बड़ा भाग, मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। विभिन्न राजनीतिक दल, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत बड़ा जिसका उदाहरण ना दिया जा सके, ग्रेट एंड अनप्रेसिडेंटेड, ग्रेट एंड अनप्रेसिडेंटेड। मलेरिया होने का खतरा, एट द रिस्क ऑफ मलेरिया, एट द रिस्क ऑफ मलेरिया। अभिशाप के रूप में मानना, रिगार्ड एज ए कर्स, रिगार्ड एज ए कर्स। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बल्कि यह तो खुशी की बात है। रेदर इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर, रेदर इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर। मामले को मत खींचो, डोंट स्ट्रेच द मैटर, डोंट स्ट्रेच द मैटर। यह सब तुम्हारे कारण है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। उसके बाल सफ़ेद हो गए, हिज हेयर्स टर्न्ड ग्रे, हिज हेयर्स टर्न्ड ग्रे। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।